गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई पढ़ा के आए कोचिंग और खुल नहीं रहा है, और प्लान बन रहा है कि निकलेंगे गांव, कितनी धूप हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि दिन ही दिन में प्लान बना लेते हैं गांव निकलने का, अभी अभी प्लान। चलो देखते हैं क्या बात है पिंटू, क्यों इतने तुम उदास दिख रहे हो, चेहरे पे उदासी है, कैमरे में देख के बोल दो। तुम जग गई हो, अब भैया भी सोया है, जग के क्या कर रही हो, क्या तोड़ दे क्या नोच दे यही सोच रही हो। देखो भैया, पिंटू जो है उदास लग रहे हैं, कोई बात है पिंटू? भैया सोया है, अभी सुबह जग गई है, अभी तो घर पे ही है, 9 बजने वाला है, अभी इनको तो स्कूल छोड़ना नहीं है, तो सोच रहे गांव निकले कि ना निकले, शाम को निकले कि अभी निकले, देखते। अरे अभी हम नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे हैं, जब जाएंगे तब तुमको बता के जाएंगे, तुमको अच्छे से रुला के जाएंगे। अरे अभी नहीं गया, तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ ए गुल्लू क्या नोचने जा रही है जी? अभी थोड़ा सा चल रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, चंदन के भतीजे का थोड़ा सा दिखाना है डॉक्टर को, उनके भैया लेकर आए हैं, बस डॉक्टर के पास पहुंचा के फिर चलते हैं, गांव निकलेंगे अभी। चलो उनको डॉक्टर साहब के पास तो भेज दिया, अब आराम से दिखा उखा लेंगे और निकलते हैं गांव। ए तुम कहाँ जा रहे हैं? हम गांव जा रहे हैं। लो बाबू, लो तुम्हारे नाम पर मंदिर पर जा रहे हैं पैसा देने। चलो भाई, तब हम निकल गए हैं गाँव के लिए, देखो पूरा व्यवस्था, ये मच्छरदानी ये वाली ले रहे हैं ना, जैसे कि ये गोल से उठ जाता है ऊपर ऊपर तक, तो छत पर सोने के लिए सही रहेगा गाँव, इसीलिए ये वाले ले रहे हैं। चलो भाई चल दिए हैं, और बाहर देखो कितना तेज आंधी तूफान चल रहा है, वाटर पार्क चल रहा है कि नहीं भैया? अभी कुछ दिन पहले जो है छात्र नेता हेमंत यादव का निधन हुआ था, जो कि धनसरा कराने वाले थे, तो उनके यहाँ जो अखिलेश यादव आज आने वाले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्लान जो है उनका पूरा कैंसिल हो गया है, तो इस वजह से मैं भी जाने वाला था, सोचा कि वीडियो बना लूँगा, लेकिन मैंने पूरा प्लान जो है अपना कैंसिल कर दिया। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल में हम पहुँचने वाले हैं अभी रतसर। तेल के लिए बड़ी भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, अलग अलग पेट्रोल पंप का रेट भी जो है अलग अलग ही रहता है, देखें कि क्योंकि बलिया में कदम चौराहे के पास देखे तो 97.87 रुपया शायद था, और यहाँ पे 98.02 रुपया है, अलग अलग होता होगा। गर्मी तो भाई साहब पूछना नहीं है, खूब दबा के पड़ रही है एकदम से, पूरा लग रहा है कि हाथ जो है जल जाएगा एकदम से। लो भाई पहुँच गए घर पे, एक बोतल पानी लाए थे वहीं से, ठंडा ठंडा निकालते हैं पीते हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी धुल लेते हैं पहले, लाइट है नहीं तो फिर लाइट भाग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सबसे अच्छी खबर की हमारे गांव में 5G चल रहा है, और टावर जस्ट यहीं पास में, इतना मस्त पकड़ रहा है कि जवाब नहीं है, मजा आ गया। हेलो भाई, गाड़ी तो हर बार जब आते तब सोचते हैं कि एक बार धुल लें, लेकिन धुल नहीं पाते हैं, धुल दिए कितनी अच्छी लग रही है यार। चर डाला ना ये दाल चावल पकौड़ी। चलो फिर से एक बार और कूलर को ट्राई करते हैं खोल के, देखते हैं कि इस बार खुलता है कि नहीं, खाली इसका जो पंक मोटर है वही जाम हो गया है, बाकी कूलर तो सही है, खाली हाना ना आ रहा है, अब कितना भी इसको चलाओ ये ना चल ही नहीं रहा है तेज, आज तो पूरा खोल दिए इसको। अब नहीं लग रहा है कि ये सही हो पाएगा, और मुझे लग रहा है कि इसका प्राथमिक उपचार नहीं है, इसको जिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा, और इसको दुकान दुकान पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। ये तो केवल हाना ना आ रहा है, इसमें हाना ना आ रहा था, इसको भी लाइट आ रही तभी तो, और चलना चाहिए। इसी कूलर को वैसे ही कस के रख दिए हैं, अब लेके जाएंगे रस्तर, ले जाके बनवाएंगे इसको, दिखाएंगे तब जाके। बाकी मौसम तो थोड़ा सा धूप कम हुआ है, बारिश हो जाता मजा आ जाता।
चलो चलते हैं थोड़ा भीने के यहाँ। देखो भाई यही जो है मंदिर अब सजने लगा है और यही मंदिर बंद रहा है बजरंग बली का, और अभी बीने के घर पे बैठे हैं थोड़ी देर, एक डेढ़ घंटा। अब यहाँ से जो है निकलेंगे फिर घर चलेंगे, फिर देखते हैं शाम को प्लान क्या बन रहा है। कह रहे हैं कि पनीर वनीर बनेगा, लेकिन देखो सामने का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। और ये भैया गांव के नज़ारे देख सकते हैं। चलो भैया अभी चलते हैं मछदानी खोलने छत पर। तो देखिए सर इसको ऐसे करते हैं, इसको इधर से चैन को इधर खोलेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको इधर फेंक देंगे और ये खुल गया ड्राम, ठीक। और इसके बाद से इससे इधर से अंदर से इसको निकालेंगे बाहर, ये हो गया, ठीक है। तो अभी जो है खाना खा रहे हैं नीचे, लेकिन खाना खा के चले जाएंगे छत पे। तो खाना बनाया है जैसे आलू का सब्जी सरसों डाल के बनाया है, और ये खट मीठा है और ये रोटी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इतना गर्मी पड़ता है और मेरा मोबाइल 80 से ज़्यादा नहीं चार्ज होता है, 80 जाकर रुक जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं छत पे, बिछौना बिछाते हैं अपना, ये हवा बहुत मस्त लग रहा है। चलो भाई मेरा मछदानी लग गया है, अब चलते हैं सोने। चलो भाई तो खाना पीना हो गया है और मच्छरदानी भी छत पर लगा लिए, तो अभी वीडियो का एडिटिंग करेंगे थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद से फिर चलेंगे छत पर सोने के लिए। फिलहाल मैं ब्लॉग एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी कल के ब्लॉग में, आज के नहीं।